orientation. Some new student orientation is going on here. वाओ, ये कितना सुंदर है ये पेड़। जब ये एंटर कर रहे थे हम उस रोड पे, ये पूरा वैसा ही था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय शैडो बीच, आई एम योर पल्लवी। सो अभी जैसे कि आपको पता है कि आई एम इन कैलिफोर्निया एंड सो मेल्लो पार्क के पास ही देर इज दिस वेरी फेमस एंड वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ US, विच इज़ लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ से सुंदर पिक्चर आई एंड हमारे इंडिया का मुकेश अंबानी, उन लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की है। तो फिर मैंने सचिन को बोला कि यार चलो जाके देखते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी कैसे, बिकॉज आई हैव हर्ड कि बहुत ही सुंदर है, इट डजेंट लुक लाइक यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सामने सामने जो सीधा रास्ता देख रहे होगे, आप पार्क के जस्ट ऑपोजिट जो रोड दिख रही होगी वहाँ से एंट्री होती है, देन यू कम फ्रॉम दिस साइड एंड नो सॉरी। सो बेसिकली दिस इज द यूनिवर्सिटी अभी सामने, कितनी सुंदर है, इतनी साफ सफाई है ना, आई जस्ट कांट टेल यू हमारे साइड की यूनिवर्सिटी कैसे होते हैं, इमेजिन। मतलब बाहर से ही मुझे देख के इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतना फैसिनेटिंग लग रहा है, लग ही नहीं रहा कहीं से कि दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। हमारे साइड की यूनिवर्सिटी कैसे होते हैं, मतलब टूटे फूटे बिल्डिंग, यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, बट यार दिस इज़ लाइक सो प्रिटी, सो 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 प्रिटी। लेट्स रीड सम हिस्ट्री अबाउट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ड इन 1885 बाई जेन विद हर हस्बैंड लीलैंड स्टैनफोर्ड, एंड बेसिकली द स्टैनफोर्ड्स वॉन्टेड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ देयर चाइल्ड। उनका जो बच्चा था लीलैंड जूनियर, ही एक्चुअली डाइड व्हेन ही वाज 15 विद टाइफॉइड, बिकॉज ऑफ टाइफॉइड। सो बेसिकली दिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय जेन स्टैनफोर्ड विद हर हस्बैंड लीलैंड स्टैनफोर्ड इन द ऑनर टू ऑनर द मेमोरी ऑफ देयर चाइल्ड, जो कि उनका बेटा था, वो 15 साल में ही डाइड बिकॉज ऑफ टाइफॉइड 1884 में, एंड दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1885 जस्ट आफ्टर द ईयर ही डाइड। और 1891 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, मतलब 1885 में आई गेस बनना स्टार्ट हुआ होगा, एंड इट ओपन व्हेन इट ओपन इन 1891 it opened with 555 students. My God, good, good, good. कि देखो आप भाई साहब, किसी भी एंगल से आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस लग रहा है, ये मुझे तो नहीं लग रहा। एंड नाउ दिस इज द बिल्डिंग बेसिकली। चलो सच लग रहा है ना, सच या दिस इज द मेन कोर्ट लग रहा है कि किसी ना ऐसे आर्किटेक्चरल या कोई हेरिटेज जगह पे आ गए है ना। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर है, एक्चुअली नेचुरल रॉक है ये। My God, Saj, this is very beautiful university. Yaar, seriously, please मेरा admission करा दो. I wanna study. Qualify? हाँ, मतलब qualify पढ़ाई करती हूँ, इच्छा हो रही है पढ़ाई करने की बहुत। हाँ यार, oh my God, मुझे लग रहा है ना resort में आई हूँ मैं, लग नहीं रहा कि मैं ये this is college, इतना pretty college. Before coming here, actually I googled it कि थोड़ा सा इसके बारे में पता किया था। तो basically ये number 6 में आता है, हाँ मतलब national universities में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ आर्ट, गिफ्ट ऑफ द, अच्छा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को गिफ्ट दिया था किसी ने। सो बेसिकली दीज आर गिफ्टेड टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज सो प्रिटी मैन, सो 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 प्रिटी, वेरी डिफरेंट, मतलब अलग ही लेवल है इसका, इतना सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, मतलब इट्स सो क्लीन, व्हाट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। ओह वाओ, सच ये कितना सुंदर है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक टू द वॉल्स, सब कुछ पूरा नेचुरल रॉक से बना है।
सचिन व्हाट इज दिस मैन, इतना इतना सुंदर भाई साहब, पैसे का खेल है सब, ऑल मनी गेम हियर। वो सामने बिल्डिंग देखो गाइस, आई थिंक दिस अ चर्च, यूनिवर्सिटी का होगा, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, रुको सच, लेकिन सच ये वॉल्स भी गंदी होती होगी, बट लुक हाउ दे हैव मेंटेन्ड, सैंडस्टोन है बट कितना मेंटेन किया है कि गंदी नहीं हो रही है। यू नो दैट टेंपल वी विजिटेड इन महाबलीपुरम, हां इट वाज मेड ऑफ सैंडस्टोन, ओके बट दिस इज सो प्रीटी, वाओ नाइस यार, बहुत सालों, कितने हजार साल का वो पुराना मंदिर था ना, तो ऐसे ही चलेगा। ये यूनिवर्सिटी भी काफी पुरानी थी, What is that side? Let's see. Those are all rooms. No. But I have seen. अच्छा come ना, I have seen people eating out here. Wow, ये कितना सुंदर है ये पेड़। जब ये enter कर रहे थे हम उस road पे, ये पूरा वैसा ही था। It's a palm tree. But look, that is so pretty. I think there's a restaurant. Kya? Let's see. It's not a restaurant. They're having some event. कॉलेज का दे सब, ओके चलो फिर जाना। सी वी आर देयर, वी बोथ आर देयर, शैडो माय शैडो बीट्स विद माय शैडो। तो तुम बोला आई हैव गॉन टू स्टैनफोर्ड, सो लोग सोचते हैं कि यू हैव स्टडीड इन स्टैनफोर्ड। सी दिस यहाँ पे अच्छा आएगा ना फोटो, सामने देखो सामने, ओ वाओ शूटिंग कर सकते थे यार यहाँ पे, कितना सुंदर कैंपस है, सो प्रिटी ना, इट्स वेरी ह्यूज ना, कैन वी ऑल्सो टेक साइकिल्स और इज इट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हियर, देयर यू हैव लाइक सो मेनी साइकिल्स, स्टूडेंट के होंगे जो लोग आते होंगे शायद उनके, वो क्या शो देखते हैं वो क्या, आप कुछ तो ब्लैक लाइफ मैटर्स लिखा है, लाइब्रेरी इट्स लाइब्रेरी सैंडस्टोन, हाँ अभी एक्चुअली लग रहा है कि महाबलीपुरम वाला जो मंदिर है ना सेम वही वाला है ये, क्यों वहाँ पे ना, अच्छा आई नॉट गोइंग क्लोज, नो जस्टिस नो पीस ब्लैक लाइव्स मैटर, नो बोला मैं, नो 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 नहीं बोल रही हूँ, नो यू नो स्पेशल एम्फेसिस है नो पे, सो इट्स लाइक अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग कि ना तो जस्टिस है ना तो पीस है, बाकी दोनों के एंड डब्ल्यू को ग्रे कर दिया है, देखा ये रहा ऊपर घंटा, एक्चुअली घंटी है ऊपर पर दिख नहीं रही है, इट्स घड़ी और ऊपर घंटा है, बेल है, ह्यूज बेल, एंड इट्स लाइक ऑटोमेटिक राइट, यहाँ से ऐसे जैसे ही पांच बजता है, पांच नहीं बजता जब भी बजेगा, मतलब एक घंटे पे ऑफकोर्स पांच बजे बजा, तो मेरे को पांच बजे ही था सच मुंह में, 5 बजे से भाई बजा तो वही आ गया, अब हिस्ट्री क्या है, द मशीन दैट यू सी इनसाइड इज अ फुल्ली फंक्शनल वेट ड्रिवन टावर क्लॉक कमीशन बाय जेन स्टैनफोर्ड इन 1899 एंड बिल्ट बाय द क्या सेठ थॉमस क्लॉक कंपनी इन 1909, ओके देखा दिस इज फुल्ली ऑटोमेटेड, एवरी आवर ऐसे यहाँ से बज के ऊपर जो ह्यूज बेल है वो बजती होगी आई गेस, नहीं नो नो दिस इज नॉट कैक्टस बट सम प्रिटी फ्लावर एक्चुअली, चलो आओ तुमको बेल नहीं दिखाना, मैं दिखाऊं, नो यू डोंट थिंक सो, सी वो देखो ऊपर वो देखो ग्रीन कलर की बेल,
तो सामने वाला इट्स लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखो लिखा हुआ है, सब इंग्रेव्ड करा हुआ है यहाँ पे, 1902 में लग रहा है ये बनी है। कितना? 31 सो कूल, कूल हॉट, मेरे लिए इट्स कूल, मेरे को ऐसे ही टेम्परेचर चाहिए भाई। सो दैट साइड वी हैव ऑडिटोरियम, भाई अपने इंडिया के कॉलेज में ऐसे घुसने भी नहीं देते हैं सचिन। क्या हो, कैंपस घूम लो, इन लोगों को देखो कितना कूल है ना, कैंपस घूमने दे रहे हैं हमको, बताओ। इधर क्या, थोड़े चले क्या ऊपर? नहीं कहीं भी नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं, आई जस्ट वांट टू सी समथिंग इज हैपनिंग। This is for new people. Some new student orientation is going on here. तो उनको यहाँ पे registration, food and all मिल रहा है। That's why they have all the balloons in the garden to welcome new students. देख के तो नहीं लग रहा है, व्यवहार से तो नहीं लग क्या हुआ सच? क्या वाह, स्टूडेंट्स आए हैं बेचारों को, दे हैव टू गो थ्रू द हेल ऑफ स्टडीज, हेल ऑफ स्टडीज, यही स्टडीज उनकी लाइफ बनाएंगी। इट्स हेल, शट अप, यही स्टडी ने तुम्हारी लाइफ बनाई, यही स्टडी ने इनकी लाइफ ये बनाएगी। Everyone is a kid here. We have just the kids. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए ना उनके, इसलिए Everywhere there's like some kind of, क्या बोलते हैं सचिन, get together चल रहा है, maybe orientation या fresher days, हाँ? पनमा हाउ, ओल्ड यूनियन, और वो सामने डेली बिल्डिंग, लॉरी लोके। चलो इधर आते हैं, लेट्स सी दिस साइड, ये कितना सुंदर लग रहा है सामने। अच्छा वो चर्च है क्या सचिन? स्टैमफोर्ड का चर्च, चलो आगे से देखते हैं। अच्छा हाँ, जहाँ से हम लेफ्ट चले गए थे, वी डिडंट गो नियर दैट चर्च ना, लेट्स सी। दिस लुक्स सो प्रीटी, देखो व्हाट, हाउ, क्या। सो बेसिकली दिस इज अ चर्च, जो मैंने आपको दिखाया था कलरफुल बिल्डिंग, ये देखो, इट एक्चुअली स्टार्टेड 1899 में बनना स्टार्ट हुआ था, कंप्लीटेड इन 1902, पार्शियली डिस्ट्रॉयड 1906, रिस्टोर्ड 1913। पार्शियली डिस्ट्रॉय क्यों हुआ था सच ये? अब जा करके देखनी पड़ेगी इसकी हिस्ट्री की, भैया ये वॉर कौन सा है, वहाँ पे वॉर भी हुआ था। ओह वाओ, क्या काम है बेब्स, इधर आओ। नहीं नहीं नो, आई एम सेइंग इधर आओ, लुक एट दिस वर्क, कितना सुंदर काम है मैन, दिस इज अ चर्च गाइस, सो प्रिटी। वी एंटर्ड फ्रॉम दैट साइड, वो सामने से, फ्रॉम देयर वी एंटर्ड, और ये देखो ये क्लोजर लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, जो मैंने आपको पहले बोला था दिस इज अ चर्च, दिस इज एक्चुअली अ चर्च हियर। Yes, center एकदम सेंटर, दिस इज अ चर्च। ये है रास्ता,
ना हम ये बीच में आ जाते हैं एकदम, यहाँ से देखो उधर सारे पाम ट्रीज, दैट्स लाइक पाम ट्रीज पूरा। नाइस, इधर भी कैंपसेस हैं इंजीनियरिंग के, इधर भी कैंपसेस हैं, एवरीथिंग इज देयर। लुक एट दिस गर्ल, शी इज ट्राइंग टू डांस। गाइज मैं एक्चुअली स्टैनफोर्ड से आई हूँ, ऐसे बोलूंगी अब मैं लोगों को, आई हैव कम फ्रॉम स्टैनफोर्ड, आई हैव बीन टू स्टैनफोर्ड है ना सच, और सच प्रूफ रहेगा इस चीज़ का है ना। सो बस हमने घूम लिया है, थोड़ा सा और पार्ट बचा था बट वी डिडंट गो दैट साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है आज, मतलब बहुत गर्मी। मुझे तो यूनिवर्सिटी देख के बहुत ही मज़ा आया, मतलब आफ्टर द टूर, एंड आई होप आपको भी देख के बहुत मज़ा आया होगा। इफ़ यू गाइज आर इन मेनलो पार्क, अगर आप मेनलो पार्क आओ तो देन दिस प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ मस्ट विजिट। आप यहाँ पे आओ देखो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वॉन्ट टू कम एंड स्टडी हियर। अगर आप यहाँ का कैंपस देखोगे तो आपको कैंपस से वैसे ही सबसे पहले प्यार हो जाएगा, फिर आप सोचोगे चलो अब कैंपस इतना प्यारा है तो पढ़ाई कर ही लेते हैं। यस आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।